जय श्री राम यार। अब फ्रेंड जो हुआ सो हुआ, अब इसी से काम चलाना पड़ रहा। पूरा आलू खराब हो रहा है। पार्टी बहुत है घर। ठीक है, मैं तो पन्नी को बचा रहा हूँ यार। यार बहुत ऊंची जगह है ना। हाँ, अरे यहाँ में कुछ लग गया ना। लोकेशन अच्छी है ना? लोकेशन तो अच्छी है, पर ये लकड़ी परी मिल गई यहाँ पे तो। हैं? कोई बात नहीं, आज थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक है। तो हम आ गए एक और नई कैंपिंग वीडियो के साथ। तो लोकेशन भी बहुत अच्छी है, बहुत प्रीटी है, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। और करते हैं अभी जल्दी से कैंपिंग। 5:30 समथिंग टाइम हो रहा है, सनसेट होने वाला है कुछ देर में। सनसेट तो दिख जाएगा, लेकिन सूर्य उदय देखना मुश्किल है क्योंकि आज हम थोड़ा नीचे में हैं। क्योंकि हम थोड़ा नीचे, पहाड़ काफी ऊंचे ऊंचे ना, तो जब भी सूर्य उदय होता है ना तो डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा, उदय होता हुआ नहीं दिखेगा पहाड़ों की वजह से। तो चलो अभी चलते हैं, कैंपिंग कर लेते हैं फटाक से। देखिए काफी अच्छी लोकेशन है, डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आसपास भी घर बने हुए हैं। वैसे तो गाइस हम घरों से ना काफी दूर आ रखे हैं, लेकिन यहाँ पे ना थोड़े घर वगैरह बने, तो ये चीज देख कर हम लोग रुक गए थे। तो गेस्ट हाउस है, ठीक है। हाँ, और आगे वाला वो एक गांव है, छोटा सा गांव है उधर साइड। आज तो हम लोग मटर के खेतों में आ रखे हैं, इधर मटर वगैरह वो रखी है और काफी अच्छी अच्छी हरियाली है। लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात क्या पता है, यहाँ पे ना थोड़े थोड़े घर बने हुए ना, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि खेतों में आगे बड़ी खुश हो रही है, तुझे खाने को मिलेगी, अभी फूल भी नहीं। बात मटर के खेतों की नहीं है, इधर थोड़े घर बने हुए है ना, मुझे ना रात में कैंपिंग में डर सा लगता है ना, रात होते ही, तो इसलिए। ये है मेरी पहाड़ों की रानी और तू मेरे पहाड़ों का राजा। हाँ। इधर देखिए फ्रेंड, थोड़े थोड़े खेत है, कुछ में खेती हो रखी है और कुछ में अभी जुताई हो रही है। यहाँ पे खाद भी डाला हुआ है और ये देखिए प्यारी सी हरियाली है इधर। अभी ये हरियाली थोड़ी थोड़ी जम रही है, थोड़ी बहुत बरसात शुरू हुई है। जब ज्यादा बरसात होने लग जाएगी ना, पूरे पहाड़ों में एकदम सुंदर सी एक हरियाली आ जाएगी, अपने आप झरने चालू हो जाएंगे, हरियाली आ जाएगी। अभी थोड़ी सूखा है क्योंकि अभी ठंड निकली है। तो चलो जल्दी से कैंपिंग कर लेते हैं। बात फ्रेंड, ये छोटे छोटे ना यहाँ पे ये सूरजमुखी के फूल भी आ रखे, पूरे खेत में ये फूल है, ये देख सकते हैं। अभी सूरज का मुंह इधर है ना, तो फूल भी इधर ही मुड़े हुए हैं। जिधर सूरज का मुंह होता है उधर ही ये फूलों का आकार मुड़ा हुआ था। ये देखिए उधर ही सूरज की तरफ इनका मुंह है, उधर ही इधर सूरज निकला हुआ है। तो चलो मम्मा की थोड़ी हेल्प करवा देती फ्रेंड मैं भी। ये मुझे ना कैंपिंग सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि इसको एक आदमी आराम से लगा सकता है, पहले वाला थोड़ा बड़ा था। ऐसे आगड़े आराम से हो जाता है, ये देखो। ये देखो कितने आसानी से लग गया ना। चलो फ्रेंड, फाइनली कैंपिंग तो लग के तैयार हो गया। अब थोड़ा इसमें सेटअप कर लेते हैं, जो भी सामान बाहर डाला हुआ है इसको अंदर कर लेते हैं। ये देखिए, ये जलाया था सौरभ ने कल कैंपिंग में, नया कई स्वागत कर दिया इसका अच्छे से। अरे यार वो गैस एकदम भुक्कू हो गई कि सौरभ ने जला दिया यार। इतना तो ध्यान रखते हैं ना मम्मा। अरे भुक्का यार तू तो। जल्दी कर ले यार, सनसेट हो
होने वाला है। चारों लंग थोड़ा हाथ मार लिए कैंपिंग में, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, कुछ ही देर में सनसेट होने वाला है, लेकिन ये कुछ खास कैप्चर नहीं होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि बीच में पहाड़ आ रहा है, इससे जो व्यू है ना वो अच्छा नहीं आएगा। बट कोई बात नहीं, कुछ ही देर में यहाँ पे घमासान अंधेरा हो जाएगा। अभी ये चिड़िया जानवरों की आवाज आ रही है चिल्लाने की, चिड़िया कबूतरों की, ये बंद हो जाएंगी। तो चलो फ्रेंड जल्दी से बना लेते कुछ नाश्ता पानी। क्या है कि जब भी आते हैं ना कैंपिंग करने, कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, इधर उधर भागते हुए जब ज्यादा दूर आते हैं ना तो अक्सर ज्यादा भूख लगती है। तो फटाफट से बना लेते हैं चाय। सबसे पहले बनाते हैं चाय। मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई यार। हाय मम्मा, कहाँ गई थी आप? यार बाजार में कोई लकड़ी वकड़ी बेच रहा हूँ। लकड़ी है तो सही। परेशान बोल ढोलो को दोबारा से आ रहे हैं। गाइस आप यकीन नहीं मानोगे, वो जो कल अम्मा आई थी, मैंने दिखाया था आप लोगों को ब्लॉग में, वो अम्मा को मैं वो कह रही थी दिखाना ये, वो मैंने को दिखा दिया और वो ऐसे कर करके खोल खोल के पूरा बोल्ट खराब कर गई। ये फ्री हो गया, जब भी इसको लगाते हैं बार बार निकल जाता है। कह भी क्या सकते हैं, उनको कहते तो बुरा लग जाता। चैन उन्होंने वो बैग उठाया था उसका चैन फिल कर दिया, इसका वोल्ट निकाल दिया, पर कोई बात नहीं, ठीक तो हो जाएगा ना वोल्ट में। अरे जा पे केतली पानी रख लिया इसमें। फ्रेंड फटाफट से बना लेते चाय। किधर से हाथ लगाऊं तू बता। अभी फ्रेंड इसका पानी चाय का खोल चुका है, इसमें थोड़ा दूध वगैरह डाल देते हैं। मुश्किल से आधा गिलास से ऊपर दूध निकलता होगा, बस ढंग से एक गिलास भी दूध ना निकलता। हाँ बता, अरे उठाना है को, उठा केतली पकड़ के। अब इसको पी लेते हैं पहले, गरम गरम चाय की चुस्की मारते हैं, क्योंकि जैसे ही शाम शाम हो रही है ना, थोड़ी ठंड बढ़ रही है यार। जय श्री राम। कचू लाइए ना बिस्किट, बिस्किट कचू ना लाई, सूखी चाय। पर फ्रेंड सनसेट हो गया, पर आज कुछ खास मजा नहीं आया सनसेट का, है ना। मजा क्या, बीच में पहाड़ आ गया उसे कैप्चर ही नहीं हुआ, वरना हम उधर होते हैं ऊपर की साइड तो सनसेट होता है, इधर अब हुआ है, उधर जाके इधर हुआ है, अब वैसे होता है उधर तो सब दिख जाता है। फ्रेंड चाय वाय तो हो गई अपनी, मजा आया था चाय पीने में, और दिन भी ढलने वाला है, अंधेरा हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में। मैं लकड़ी तोड़ के रख लेता हूँ, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। फिर नैनी नैनी लकड़ियों में ना कांटे हैं। तो फ्रेंड अभी काफी काफी नहीं, थोड़ी बहुत रात हो चुकी है, और जल्दी से आलू चॉप कर लेते हैं। आज हम बनाएंगे आलू के पकोड़े बढ़िया से। हाय राम, यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है, इतनी गर्मी में भी कुछ पूछो मत। गर्मी बच्चे अपने यूपी में, ये है यूके। बच्चा यार यहाँ पे सूखी घास है यार मेरी। अरे वो हम जब सोएंगे ना
तो आग बुझा के सोएंगे। फिलहाल तो हमारी आंखों के सामने जलेगी ना, जला ले थोड़ी बहुत। वो वाली बात ना, आंखों के सामने वाली बात ना। अच्छा उधर मेरे पति आग जला रहे हैं। आम होती एकदम ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो गई फ्रेंड यहाँ पे। फ्रेंड सर्दी हो या ना हो, लेकिन आग जलाना ना कैंपिंग के बाहर बहुत जरूरी है। भले ही सोते टाइम बुझा दो, क्योंकि ना भाई जंगली एरिया है, उत्तराखंड है, जानवरों के नाम से तो बहुत ज्यादा मशहूर है। जानवरों का डर लगा रहता है, धुआं वगैरह होता है तो कम आसार होता है जानवर आने के। और अभी देखो रात होती, चारों तरफ लाइट जलने लग गई पूरे घर में, और एक एक चीज पता चलेगी कहाँ कहाँ घर पे घर है। यहाँ पे जानवर भी कहाँ जाएंगे, लोग वजह से जानवर आ रहे हैं, जंगल काट काट के तो वहाँ घर बनाए जा रहे हैं यार। भाई गलत बात है यार, देखो ये जो जंगल है ये जानवरों का ही तो घर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, पहाड़ खत्म होते जा रहे हैं, घर बनते जा रहे हैं, तो जानवर तो घर ही में आएंगे ना, कहाँ जाएंगे वो बेचारे। हम हमारी गलती है कि हम उनके घर में आ रहे हैं, वो हमारे घर में नहीं आ रहे हैं जानवरों के में, तो वो लोग भी तो कहीं जाएंगे। वो फिर घरों में भागते हैं, लोगों पे अटैक करते हैं। चलो आग जल गई, अब जल्दी से अपने आलू वगैरह चॉप कर लेते हैं और बनाते जल्दी से गर्म गर्म पकौड़े। चाकू वगैरह कहाँ है? मुझे क्या पता, नहीं लेके आया। मैंने रखा तो था यार किसी में यार। आज एक और पोपट कर दिया, चाकू घर पे भूल आया। बताओ मिल जाए तो बढ़िया। मम्मा देख यार, न्यू पोपट फ्रेंड, चाकू रह गया घर पे। अब क्या होगा, एक काम कर, ये घर बने हुए है ना, जा इनसे मांग के ला चाकू, दे देंगे। यार मैं क्या करूं यार, मम्मा यार अगर मैं सामान रखती हूँ ना तो ये रखने नहीं देता। नहीं मैं रख लूंगा सारा सामान। देखो मेरी दवा भूल के आ गए, ठीक है, तेल भूल के आ गए, चाकू भूल के आ गए, और दूसरी बात एक कुर्सी भूल के आ गए, और भी कुछ भूल के आए होंगे, वो तो धीरे धीरे पता चलेगा। मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती मत बताना फ्रेंड, क्योंकि मैं जब सामान रखती हूँ ना कि मैं भी रखवा देती हूँ, तो बोलते नहीं नहीं तू मत रखवा, मैं रख लूंगा, तू आराम से बैठ जा। मेरा बैठने का नतीजा सारा सामान भूल आए। क्या करेंगे अब इनका मम्मा, आज तो लग रहा है भूखा सोना पड़ेगा यार। चाकू तो ये भूल आए, अभी इससे छिलने, क्या बोलते हैं इसको, कछली, कछली से काम चला रहे हैं। यार आज जब आ रहे थे ना इतना खोपड़ा खराब हो रहा था, एक एक चीज भूल रहे थे, एक एक चीज, और जहां तक आए थे रोते कोने, पता नहीं यार क्या हो रहा था आज यार। पानी भी नहीं लेके आए, पानी भी बहुत मुश्किल से किसी के घर से भरा था रास्ते में। पानी तो इससे पीछे काम था, वहीं से तो भरा था पानी। आज बड़ा दिमाग खराब हो रहा है यार। अब फ्रेंड जो हुआ सो हुआ, अब इसी से काम चलाना पड़ा, पूरा आलू खराब हो रहा है। थोड़ा सा इसमें मसाले वगैरह मिला लेती हूँ फ्रेंड। ओ यार मैंने इसमें वो खटाई डाल ली यार। खटाई नहीं है वो, क्या है, चाट मसाला है वो। बहुत है ना, बहुत है। ये मेरा फेवरेट मसाला है घर का बना हुआ। मत बता, बता दिया तूने मुझे सब।
ये हो गया हमारा बेसन ना। दुनिया में क्या हो गया है? कुछ नहीं। तू डर रही है? मैं बैठा था बाहर। तू क्या कर लेगा? ये ले। डर गया मैं, घुस जाएगा यहाँ दो। अरे हाँ। भाई यार अभी से मुंह में पानी आ रहा है, इतने लाजवाब लग रहा है ना देखने में। फ्रेंड पकौड़े हो गए एकदम करारे, अब इनको बाहर निकाल लेते हैं ऑयल से, वरना ऑयल पियेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये कितने कमाल की चीज़ है, ऑयल पकौड़े पियेंगे, नुकसान हमें होगा है। तो खाएगा तो तू ही रहे ना। तो ऑयल तो जो पी रहे ना, ऑयल हम थोड़ी ना पी रहे। तभी तो कह रहे थोड़ा बहुत पढ़ लिखना चाहिए आदमी को। अरे यार अब यही तो बात है, मेरे सवालों का जवाब दे बार होना है कोई, और जो कोई भी उंगली उठा दो बस मेरी पढ़ाई लिखाई पे यार, ऐसा थोड़ी ना होता यार। अब कोई आदमी अपने दिमाग से इंटेलिजेंट है वो सवाल पूछ रहा तो बाकी जवाब देना सीखो ना, ना के बाकी पढ़ाई लिखाई पे उंगली उठानो। तेरे सवाल ही ऐसे बेहुदा है तो कौन जवाब देगा। आज खाना कम ही है। खाना क्या ही है, ये जो भी है पकोड़े यार। ओह मस्त। टीवी हो जो चीज कम बनाते हैं ना टेस्टी बनती है, कम चीज में टेस्ट अच्छा आता है। तो फ्रेंड अभी सो जाते हैं, काफी टाइम हो गया, बाहर रुकना भी ठीक नहीं है। अंदर चल के बात करते हैं आप लोगों से। पकौड़े लाजवाब बने थे एकदम, वेरी टेस्टी। चल यहाँ पर कीड़े भी बहुत हैं। ये देख कीड़ा, मुझे लगा कोई नीचे को आ रहा है क्या यार। फ्रेंड यही थोड़ी ऊपर रोड है। मम्मा चल लगा कीड़े बहुत हैं यार। अरे तू सो जा, मैं बैठ लूं, मुझे अच्छा लग रहा है यार। एक काम कर, कैंपिंग से बाहर जा, वहां बैठो रही पूरी रात। ये कौन सी बात है यार, तो गेट लगा दे, बहुत रात है चुकी मम्मा। ऐसा ना दूर दूर पहाड़ी पर रोड है, वहां की गाड़ी फाड़ी जाते भी दिख रही है ना, तो अच्छा लग रहा है यार। अभी आओ ना लेपड़। लेपड़ है आ जाओ, तो मारो का बिगाड़ लियो। का बिगाड़ लेगो? नो 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 पूछ काना बिगाड़ पावे, सब बिगाड़ लेगो। नकर के तीर दूंगा मैं महाराणा प्रताप को, वंशजू चीत दूंगा को। अरे तो तू पता नहीं किनको वंशज होगो, तू कुछ बोल मत बोल अपनी। हर 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 राजपूत महाराणा प्रताप का वंशज है। बागू चीन ना पाऊंगो तो बाद हारू ना मानूंगा, इतनी तो पक्की है। जो हर बच्चा वो जो जो चीता हरण को जो चीज दे करते ना वो लोग, और ठीक है अब के लोगों में उतनी जान ना रही है। बेशक जान ना है पर दिमाग तक काम लेना। बत्तो बच्चा आजकल की हड़बड़ी में कच्छा मूंद रहते देखती का है ना है। थोड़ी हिम्मत तक काम लो, जोश से किल्ला हो आगे आगे। वो अगर 20 की स्पीड पर किल्ला रहो तो अपनी 25 की स्पीड रखो किल्लाने की। महाराणा प्रताप ने चिल्लाओ थोड़ी ना हो। अरे बेशक ना चिल्लाओ पर जानवर को ये लगता है कि हाँ हम तो थोड़ा बलशाली है। इसकी थोड़ी लोभ कम कर दे, कीड़े बहुत आ रहे हैं यार। बस बंद क्यों कर रहा है? कौन सा लेगी? ये वाला। यार ले ले। ये कीड़े कहाँ से घुस गए आज? ऐसो ये खिड़की खुल गई, ये जो लाइट है ना यहाँ पे ज्यादातर कीड़ा भागा तू है, सफेद पेन भागे हो जितना जितना जाप भागे हो। लेकिन कल भी तो लगाया था, कल एक कीड़ा नहीं था, वहाँ पे ना ठंड ज्यादा थी इस वजह से कीड़ा नहीं होगा। तो फ्रेंड अभी सो जाते हैं, अच्छा लग रहा है।
इस कैंपिंग में ना थोड़ा सुकून है सोने में। गाइस आप लोग कहोगे कि फिर चिल्लाती है, मेरी मम्मा चिल्लाने का ही काम करती है। बच्चा यार खोलू ना, तू तो मैंने खोल के दे दिया ना, खोल बता। सॉरी मम्मा। चलो तू जल्दी वो कर लो। नहीं ये ठीक है। आगे तेरी मर्जी, मुझसे मुझे ऊपर क्या बात ठंड लगी। मेरे नहीं लग रही ठंड यार। इधर से दे रही है? हैं? नो। अगर मेरे साथ मम्मा ना हो ना, मेरी मेरे पति ना हो, तो मैं तो एक कदम भी ना चल पाऊँ, कुछ भी ना कर पाऊँ, ना सो पाऊँ ना खा पाऊँ, क्योंकि इसने मुझे अपना आदि बना दिया है। तो बचान पे लगा कर जाकू। ठीक है मम्मा। पकोड़े खाने के बाद प्यास बहुत लग रही है। तो फ्रेंड अभी के लिए गुड नाइट और सो जाते हैं। बाय बाय। गुड नाइट फ्रेंड, बाय बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। फ्रेंड गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी नींद आई थी आज कैंपिंग के अंदर, पर थोड़ी सी ठंड लगी थी और ना तो हमें सनसेट देखने को मिला ना ही सूर्य उदय। ये देखिए सूर्य उदय भी हो चुका है इस पहाड़ी के पीछे। ये देखिए फ्रेंड, आप लोग ये देख रहे होंगे यहाँ पे सूर्य उदय हो रहा है इस पहाड़ी के जस्ट पीछे। मम्मा के लिए बनाया ये। यहाँ पे ये सूरजमुखी का बहुत सारे फूल हैं गाइस। हाँ और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। जिधर सूरज का मुख होता है उधर ही इन फूलों का मुख होता है, ऐसा कहा जाता है ना, और देखते भी ऐसे वैसा ही होता है। अभी नूतन दोनों के लिए ग्रीन टी बना रही है।
मेरा नाम जिंदे गाइस, मेरी टी तो बनके तैयार हो गई है। हल्का सा शक्कर डाल दिया मैंने इसमें। हल्का सा कड़वापन है वो इसका फायदेमंद है। कंप्लीट कर लो तो गाइस, इसलिए वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय बाय, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। किड्स।